हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीकेम इंडिया इज हियर। स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ टेंस एज वी हैव स्टार्टेड टेंस। इन लास्ट वीडियो यू ऑल पीपल गॉट अ वेरी गुड लेसन एन इंट्रोडक्शन टू टेंस। आफ्टर इट आई गेव यू इंडेफिनिट्स and I think through these two videos you might have got a lot of knowledge and a clear cut concept about tenses and its meaning and its recognition and its uses too. In the same sequence, now today we are going to start continuous and perfect continuous. Continuous and perfect continuous, as earlier I have told you, they are quite similar to each other. They both tell the continuity of action of a subject, but there's a slight difference. There's a light difference between them, and those differences I'll discuss here in this video. Through examples and through rules regulations, I will give you the complete detail about continuous and perfect continuous. Students, very first I want to say that continuous and perfect continuous, they both tell the continuity of action. Continuity of action ka arth hota hai jab subject ka karya जारी हो, जब सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो, जब कोई सब्जेक्ट अपने कार्य को कर रहा है, दैट इज कंटिन्यूड। अगर वो काम चल रहा है तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस। अगर सब्जेक्ट का काम तत्काल में चल रहा है, अर्थात रीसेंट कॉन्टिन्यूटी है, अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे अभी सुन रहे हैं, तो पढ़ाने का काम और सुनने का काम अभी चल रहा है, सो दिस इज रीसेंट कॉन्टिन्यूटी। यह तात्कालिक निरंतरता है। बारिश हो रही है, चिड़िया बोल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, वह सो रहा है, वे लोग गाना गा रहे हैं और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दीज ऑल सेंटेंसेस, जो अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं, दोज ऑल सेंटेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ रीसेंट कॉन्टिन्यूटी। रीसेंट कॉन्टिन्यूटी मीन्स एट प्रेजेंट दैट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। आइए दूसरे की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो भी सब्जेक्ट के वर्ब, सब्जेक्ट के एक्शन की कंटिन्यूटी बताता है, लेकिन वो रीसेंट कंटिन्यूटी नहीं बताता, वो एक समय के साथ कंटिन्यूटी बताता है। उसका वो काम थोड़ा पहले से शुरू हुआ रहता है। जैसे कंपैरेटिवली मैं दो सेंटेंसेज एक साथ बोल रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पिछले दो महीने से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस सेंटेंस इज कंटिन्यूअस, और मैं दो महीने से आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लोग आज मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, और मेरे घर मेहमान आते रहे हैं, सेंस कह रहा है, सेंटेंस का अर्थ कह रहा है कि मेहमान आज नहीं आ रहे हैं, इसके पहले से आते रहे हैं। तो अगर पहले से आपके सेंटेंस के सेंस में जुड़ जाए, एकदम डायरेक्टली टाइम का यूनिट हो या न हो, दो दिनों से, चार दिनों से, पांच दिनों से, दो घंटे से, पंद्रह दिनों से हो या न हो, अगर सेंटेंस के अर्थ में, सेंटेंस के सेंस में अगर पास्ट है, ऐसा लग रहा है कि यह काम पहले से होता रहा है, तो दैट सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड अंडर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कॉन्टिन्यूअस इज रीसेंट कॉन्टिन्यूटी,
Perfect continuous is continuity with a certain time. With a certain time. 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से कुछ दिनों से 2 घंटे से सोमवार से जनवरी से मार्च से 1987 से लाइक दैट टाइम का कोई भी यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपके सेंटेंस में आता है तो दैट सेंटेंस विल बी कंसीडर्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो नाउ रिकॉग्निशन इज क्वाइट क्लियर. अब आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना. You have not to learn translation, how to convert sentences from one to another. आपको यह सीखना है कि आपकी अपनी जिंदगी के जो sentences हैं, आपकी अपनी जो activities हैं, आपके friends की जो activities हैं, जो आपके इर्द गिर्द की activities है, जो आम जनता की activities है, वो उस activities में, उन सारी activities में से आपको screen करना है कि कौन सा continuous है and कौन सा perfect continuous है. और जब इन एक्टिविटीज को आप स्क्रीन कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डिसाइड दैट विच सेंटेंस यू शुड स्पीक, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू शुड फ्रेम. सो रिकॉग्निशन इज क्वाइट क्लियर आई थिंक. नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर. वंस मोर एग्जांपल आई एम गिविंग. शी इज लर्निंग इंग्लिश. यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. एंड शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है. वह अंग्रेजी सीख रही है, यह कॉन्टिन्यूअस है. और वह अंग्रेजी पिछले कई दिनों से सीख रही है या सीखती आ रही है या सीखती रही है, अगर ऐसा सेंस है तो दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में समानता हमने आपको बता दी और दोनों का अंतर भी हमने बता दिया. What similarities are there? Similarity between continuous and perfect. A single thing is there that both tell the continuity of action, and the difference is there that continuous tells the recent continuity and perfect continuous tells the continuity with a certain time. अब मैं आपको दो नोट्स के बारे में पहले बता रहा हूं. दो एकदम याद करने वाली चीज जो दो नोट्स के रूप में हमने यहां नीचे दिया है, और इन दोनों को पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद में ऊपर जाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल के क्लास में, इसके लास्ट वाले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और आपको मेन वर्ब भी चाहिए. मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स हमने आपको बताए थे, V1, V2, V3, V4 and V5. V1 verb का first form है, V2 verb का second form है, V3 verb का third form है, और V4 verb के first form में SES लगा देना है, जैसे goes, writes, please. Goes, writes, sings, welcomes, इस तरह से. और verb का fifth form जो है, उसमें ing लगा देना है, going, playing, writing, sleeping, डांसिंग, वेटिंग, इन द सेम मैटर. तो ये पहला नोट हमारा ये है कि कॉन्टिन्यूअस में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, और वो होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, आईएनजी. चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो, दोनों में आपको एक ही फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना है, एंड दैट इज V5, verb का fifth form, अर्थात ing. Is it clear? Yeah, this is the first note. The second note is that, चूंकि perfect continuous में, in perfect continuous, we get time factor. उसमें time factor होता है. Direct अगर time factor दिया है, तो उस time factor को deal करने के लिए, उस time factor को अंग्रेजी में लिखने के लिए या बोलने के लिए, हम लोग for या since का प्रयोग करते हैं. For और since. जैसे 5 महीने से तो for 5 months, 5 दिनों से तो for 5 days, 5 घंटों से तो for 5 hours, और कई दिनों से तो for many hours, for many days, कई वर्षों से तो for many years, युगो युगो से तो for ages, कुछ घंटों से तो for some hours,
फॉर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, टाइम की अगर कोई अवधि दी गई हो, इफ पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन सो दैट टाइम, उस समय के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर समय एक बिंदु में दिया गया, समय एक पॉइंट में दिया गया, जैसे सोमवार से तो हम बोलेंगे सिंस मंडे, दिया गया है 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, दिया गया है 1990 से तो हम बोलेंगे सिंस 1990, तुम्हारे जन्मदिन से तो हम बोलेंगे सिंस योर बर्थडे। इसी तरह से अगर समय का कोई पॉइंट दिया गया है तो सिंस बोलेंगे, और समय का कोई ड्यूरेशन दिया गया है तो फॉर बोलेंगे। ये केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, बिकॉज इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम फैक्टर कम्स एंड आवर कंटिन्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम फैक्टर आएगा, और उस टाइम फैक्टर को डील करने के लिए हमारे पास फॉर और सिंस है। फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तब दो चीजें, मेन वर्ब दोनों में एक है, टाइम फैक्टर केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और तब अगर दोनों में सिमिलैरिटी हम देखें तो मेन वर्ब एक ही लगेगा, इसमें केवल टाइम फैक्टर जोड़ देना, देन व्हाट इज द डिफरेंस? तब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब्स का अंतर है। हेल्पिंग वर्ब्स विल बी डिफरेंट, और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से हमने हेल्पिंग वर्ब्स सब में लिखा है, और सबके साथ तीन तीन एग्जांपल्स हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का दिया है। एक बार जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप उसे नोट कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस, रिसेंट कॉन्टिन्यूटी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब इज इज आर एम। आप जानते हैं इज आर एम का प्रयोग कहां होता है? इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल, एम फॉर आई। आई के साथ एम का प्रयोग, प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, एंड सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग। एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ड इंग्लिश ऑब्जेक्ट, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, शी इज शी लर्निंग इंग्लिश, दिस इज अ क्वेश्चन। सबसे पहले आप सकारात्मक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, शी इज लर्निंग इंग्लिश, उसका नेगेटिव बनाइए, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं सीख रही है, और फिर उनसे पूछिए, अपने ही से सवाल पूछिए, इज शी लर्निंग इंग्लिश। आप जब इज शी लर्निंग इंग्लिश पूछेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, यस शी इज लर्निंग इंग्लिश, नो शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो आप इन तीन सेंटेंसेस के माध्यम से आप चाहे तो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर इफ यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू डू प्रैक्टिस लाइक दिस, सर्टेनली इन फ्यूचर देयर विल बी नो नीड टू गो थ्रू टेंसेस। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मुझे विश्वास है कि आपको टेंस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंस दूसरों को पढ़ाने लगेंगे। आइए, शी इज लर्निंग इंग्लिश, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, इज शी लर्निंग इंग्लिश, इज शी लर्निंग इंग्लिश, यस शी इज लर्निंग इंग्लिश, नो शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। इसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है। यहां है वो अंग्रेजी सीख रही है और यहां है वो 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है। बस 2 दिन जुड़ जाने से वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, 2 दिन नहीं जुड़ा होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रही है और वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है, तो शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा हैज हैव प्लस बीन, हैज बीन और हैव बीन, दीज आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स। Has is for singular, have is for plural. So she has been learning English for 2 days. She has not been learning English for 2 days. And has she been learning English for 2 days? This is a question.
Had she been learning English for 2 days? Yes, she has been learning English for 2 days. No, she has not been learning English for 2 days. In the same manner, you will get practice in speaking and in writing both. Now, this is past. In past continuous, helping verbs was and were. Was is for singular, were is for plural. She was learning English. यहां अंग्रेजी सीख रही है और यहां अंग्रेजी सीख रही थी. She was learning English, अंग्रेजी सीख रही थी. She was not learning English, अंग्रेजी नहीं सीख रही थी. And was she learning English? Was को केवल पहले कर देना, helping verb को subject के पहले कर दीजिए, प्रश्न हो जाएगा. एकदम कुछ नहीं करना, helping verb की पहचान अगर है आपके पास तो helping verb को subject के पहले कर दीजिए तो question हो जाएगा. तो was she learning English? Yes, she was learning English. No, she was not learning English. In the same manner, you have to do practice. Now next, that is perfect continuous. In past, helping verb only had been. Only had been is there. एक ही helping verb है सारे subject के साथ. She had been learning English for 2 days. वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही थी. She had been learning English for 2 days. She had not been learning English for 2 days. She had not been learning English for 2 days. And had she been learning English for 2 days? Are you getting? I think you like it. Okay, just come on. And speak with me. Speak with me. Along with me, you should also try to give your words. Certainly, it will be beneficial for you. आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. आप sentences को देखकर मुस्कुराइए. और मुस्कुरा के सेंटेंसेस को मन ही मन नहीं बोल बोल के प्रैक्टिस करिए. शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. शी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. यस, शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. नो, शी हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज. दिस इज पास्ट. नाउ इन फ्यूचर टू हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर. Will and shall be, will and shall be. Then you will tell, she will be learning English. Means, वह अंग्रेजी सीखती रहेगी. उसका अंग्रेजी सीखना जारी रहेगा. She will be learning English. मैं आपके घर आता रहूंगा. I will be coming to your house. मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा. I will be waiting for you. और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा. तो I will be teaching you. I will be teaching you. आप पढ़ते रहेंगे तो you will be learning. Is it? Are you getting? Okay. So she will be learning English. वो सीखती रहेगी. She will not be learning English. वो सीखती नहीं रहेगी. And will she be learning English? क्या वो सीखती रहेगी? Yes, she will be learning English. No, she will not be learning English. Is it clear? Okay. This is perfect continuous. Now this is perfect continuous. In perfect continuous, 2 helping verbs are there. Will and shall have been. Will, shall, have been. She will have been learning English for 2 days. Same, वही केवल समय जुड़ गया है और कुछ नहीं है. दोनों सेम है, केवल इसमें समय जुड़ गया, इसमें समय नहीं जुड़ गया. इसमें समय जुड़ गया 2 दिन. So for, she will have been learning English for 2 days. वो 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही होगी. She will not have learning English for 2 days. नहीं सीख रही होगी. And will she have been learning English for 2 days? Yes, she will have been learning English for 2 days. No, she will not have been learning English for 2 days. Is it clear? It's very simple. बहुत simple है. इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं. It's so simple, so easy, and so delicate, so soft, and so full of impact. आपको यकीन नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि जिस दिन आपकी ये टंग ट्विस्ट हो गई, जिस दिन आपके जबान पर अंग्रेजी फ्लॉलेस हो गई, जिस दिन आपके जबान पर अंग्रेजी फ्लुएंट हो गई, आप यकीन करोगे, यू विल बी फार डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यू विल बी फार पर्टिकुलर स्पेशल इन आवर सोसाइटी. एनीवे, and you will be quite eligible for different competitions too. And this is the base of English grammar. Now the base is,
और एक वादा करता हूं मैं आपसे, आई प्रॉमिस यू कि ग्रामर का कोई भी फैक्टर, ग्रामर का कोई भी टॉपिक मैं अछूता नहीं छोड़ूंगा, एंड आई विल गिव यू इन नटशेल सो क्लियर सो इजी कि आप हंसते हंसते सीख जाएंगे, खेल जाएंगे, और फिर अंग्रेजी आपकी अपनी हो जाएगी, एंड यू विल बी क्वाइट इजी, एंड यू विल बी टीचिंग अदर्स, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी फुल ऑफ इम्पैक्ट। मुझे लगता है कि अब हमें ये वीडियो स्टॉप करना चाहिए, और कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस आप आपको कायदे से समझ आ गया होगा, और थोड़ा सा एक दो बार आप ये वीडियो देख लीजिए, और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगता है, कहीं किसी तरह की कोई क्वेरी दिमाग में आती है, तो आई एम हियर। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, विद इन 24 आवर्स आई रिस्पॉन्ड यू, मैं आपका जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और जब तक आप अंग्रेजी सीख नहीं जाएंगे, तब तक मैं आपको सिखाता रहूंगा, डोंट वरी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं करता हूं कि इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।